टेक्नो शाद में आपका स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्थानीय रूप से असेंबल की गई 2021 मर्सिडीज बेंज एस क्लास अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है। नई जेन मर्सिडीज बेंज एस क्लास को दो वेरिएंट्स S350D4MATIC और S454MATIC में पेश किया गया है, जिसकी कीमत 1.57 करोड़ से 1.62 करोड़, सभी कीमतें एक्स शोरूम भारत। स्थानीय रूप से असेंबल की गई मर्सिडीज बेंज एस क्लास 60 लाख रुपए तक सस्ती है CBU यूनिट की तुलना में, जिनकी कीमत 2.17 करोड़ से 2.19 करोड़ हो सकती है। न्यू जेन मर्सिडीज बेंज एस क्लास एक बहुत बड़ा कदम है और यहां तक स्थानीय रूप से असेंबल की गई भारत स्पेक फ्लैगशिप सेडान को भी स्किम्ड ऑफ नहीं किया गया है। अब इसमें अलग अलग मॉड्यूल के साथ नए हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिनके अंदर मिलियन पिक्सल होते हैं। मल्टी बीम LED हेडलैम्प्स के साथ अल्ट्रा रेंज हाई बीम के साथ संयोजन में 650 मीटर की रोशनी प्रदान करता है। स्थानीय रूप से असेंबल की गई मर्सिडीज बेंज एस क्लास CBU मॉडल के समान है। एस क्लास हमेशा से एक सुंदर सेडान रही है और उत्तम दर्जे की दिखती है, चाहे वह किसी भी जनरेशन की क्यों न हो। नया एस क्लास आकार में 34 मिलीमीटर लंबाई और 34 मिलीमीटर चौड़ाई में भी बढ़ता है और पिछले मॉडल की तुलना में व्हील बेस में 51 मिलीमीटर की महत्वपूर्ण ग्रोथ दिखती है। हालांकि अधिक दिलचस्प हिस्सा एरोडायनामिक्स है। एस क्लास का ड्रैग कोएफिशिएंट 0.22 है, जो इसे दुनिया की सबसे एरोडायनामिक कारों में से एक बनाता है, जबकि CBU मॉडल लो प्रोफाइल टायरों के साथ AMG लाइन 20 इंच पहियों पर सवारी कर रहा था। स्थानीय रूप से असेंबल किए गए एस क्लास को भारतीय सड़कों पर बेहतर सवारी क्वालिटी के लिए तुलनात्मक रूप से लंबे प्रोफाइल टायरों में छोटे आकार के 19 इंच के पहिए मिलते हैं। स्थानीय रूप से असेंबल की गई एस क्लास क्रिस्टल डिजाइन में स्वचालित दरवाजे के हैंडल और नए क्षैतिज संयोजन टेल लाइट्स के साथ जारी है। नई मर्सिडीज बेंज एस क्लास अब पिछले मॉडल की तुलना में 60 किलोग्राम हल्की है, जिसे 50% एल्यूमिनियम निर्माण को नियोजित करके हासिल किया गया था। कार निर्माता का कहना है कि अन्य 50% उच्च कठोरता वाले स्टील के साथ बनाया गया है। 2021 मर्सिडीज बेंज एस क्लास का केबिन विलासिता की दुनिया में रहने वालों का मनोरंजन करता है। अंदर से मेड इन इंडिया एस क्लास बहुत ही शानदार है। केबिन विलासिता की दुनिया में रहने वालों को आकर्षित करता है। उपयोग की गई सामग्री, फिट और फिनिश और जिस तरह से इसे एक साथ रखा गया है, वह बस उत्तम है। नई एस क्लास में ऐसी सीटें हैं जो एक मसाज फंक्शन के साथ आती हैं और चुनने के लिए 10 अलग अलग मसाज प्रोग्राम हैं। अन्य सुविधाओं में शामिल हैं 64 LED एम्बियंट लाइटिंग, एक नया 12.3 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक स्लाइडिंग सनरूफ, 15 स्पीकर के साथ बर्मेस्टर हाई एंड 3D साउंड सिस्टम और पूरे केबिन में 263 से अधिक ऑप्टिक LED लाइट्स के साथ एम्बियंट लाइटिंग। मर्सिडीज बेंज एस क्लास में 5 OLED डिस्प्ले होंगे, जिनमें से 4 टच स्क्रीन होंगे। इसमें 12.8 इंच का विशाल इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है, जो नवीनतम पीढ़ी के MBUX सिस्टम से लेस है। 2021 मर्सिडीज बेंज एस क्लास भी अब पीछे के यात्रियों के लिए सेगमेंट फर्स्ट फ्रंटल एयरबैग जैसी सुविधाओं के साथ अधिक सुरक्षित है, जो कुल 10 एयरबैग, मर्सिडीज का प्री सेफ पैकेज और सक्रिय बोनट के साथ पैदल यात्री सुरक्षा 360 डिग्री लाता है। नई मर्सिडीज बेंज एस क्लास में दो इंजन विकल्प मिलते हैं, एक 3.0 लीटर पेट्रोल और एक 3.0 लीटर डीजल इंजन। 350D डीजल को 282 bhp 360-420 rpm और 600 nm 1200-320 rpm पर बेल्ट आउट करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि 450 पेट्रोल 362 bhp 550-610 rpm और 500 nm 1600-450 rpm पर आउटपुट करता है। दोनों मॉडलों में स्टैंडर्ड के रूप में 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। पेट्रोल मोटर को एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर मिलता है और इसलिए माइल्ड हाइब्रिड पावर ट्रेन के रूप में योग्य है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इस तरह की और सामग्री के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक केयर बाय।